observations from the experiment. So first observation is effect of frequency. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. अभी फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट करंट पे क्या होता है ये पहले हमें देखना है. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ओके सो इनिशियली आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ. ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ आई कैन एक्सप्लेन यू इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. अभी क्या किया है इधर देखिए. फ्रीक्वेंसी इज ग्रेजुअली इंक्रीज. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे लिखना है देखिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इमिटर पे जो रेडिएशन इंसिडेंट होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे. ओके ग्रेजुअली इंक्रीज करने के बाद क्या होता है अप टू सर्टन फ्रीक्वेंसी देर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट एट ऑल. अप टू सर्टन फ्रीक्वेंसी देर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी करंट स्टार्ट सडनली. ओके ग्राफ इज लाइक दिस. So on y-axis there is a photoelectric current. Photoelectric current हमें कहाँ पे measurement मिलेगा उसका micro ammeter में मिलेगा. And x-axis पे क्या रहेगा frequency रहेगा. Okay. So first observation क्या रहेगा देखिए. When frequency of incident radiations is gradually increased from lower value. When frequency of incident radiation is gradually increased from lower value, it is found that up to a certain frequency, suppose it is nu naught, up to a certain frequency, there is no photoelectric current at all. Matlab certain frequency tak photoelectric effect nahi dikhai deta hai. And after certain frequency, photoelectric current suddenly rises and thereafter remains constant. Okay? So, certain frequency के बाद क्या होता है photoelectric current suddenly rise होता है और उसके बाद अगर frequency increase भी किया तो current उतना ही रहता है maximum level पे ही रहता है. मतलब frequency बढ़ाने के बाद current नहीं बढ़ता है. frequency certain frequency के बाद current remains constant to a particular value. Okay, so this is the effect of frequency. Okay, so इस observation से हमें क्या पता चल जाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने के लिए एक सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए. सो दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. ओके एंड इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम. दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ओके अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन हमने देखा है. क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है. इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड फ्रॉम द सरफेस. ओके या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या है. इट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. ठीक है. So once again, सुनिए, listen carefully. Effect of frequency. I am going to write here. Effect of frequency is like this. When frequency of incident radiation is gradually increased, it is found that up to a certain frequency, there is no photoelectric current. There is no photoelectric current. ठीक है. सर्टन फ्रीक्वेंसी तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है. ओके एंड एज सुन एज विच रीचेस अ सर्टन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट सडनली स्टार्ट्स एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. उसके बाद क्या लिखना है. As soon as frequency reaches
threshold value or certain value, photoelectric current suddenly starts and thereafter remains constant. Thereafter remains constant. Okay, so this is the first observation. First observation कैसे लिखना है एग्जाम में, समझ में आया कि देखिए, first है effect of frequency. Frequency का effect हमने change किया है. उस experiment में क्या किया है, incident source, जो source है उससे निकलने वाली frequency, source से radiation कहाँ पे incident होने वाले है, emitter plate पर incident होने वाले हैं. तो क्या किया है, initially इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली हमने लोअर वैल्यू से क्या किया है, ग्रेजुअली इंक्रीज किया है. तो इसमें क्या होता है, देखिए, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, इट इज फाउंड दैट अप टू ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक करंट एट ऑल. मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, अप टू सर्टेन फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो सर्किट में करंट सेटअप हो जाएगा, क्योंकि सर्किट में करंट सेटअप होने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए मेटल प्लेट से. ठीक है, सो सर्टन फ्रिक्वेंसी तक करंट जरा भी नहीं रहता, एंड एज सुन एज द फ्रिक्वेंसी रीचेस अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, सर्टन वैल्यू, करंट सडनली राइजेस. Current suddenly rises or starts and thereafter remains constant. So this is the first observation. And from this first observation, we get two definitions. So first is the threshold frequency, which is denoted by nu naught. And second is the threshold wavelength. Okay, which is denoted by lambda naught. Okay, iska definition already maine de diya hai. So I am not going to write these two definitions here. But exam mein likhte waqt yahan pe threshold frequency aur threshold wavelength ka definition aapko likhna padega. Threshold frequency ka definition kya hai? Once again main bata deta hoon. It is the minimum frequency of incident radiation for which photoelectrons are just emitted from the metal surface. यहाँ पे दो word important है, first is the minimum frequency and second is the photoelectrons are just emitted. Threshold wavelength में दो important word क्या रहेंगे, maximum wavelength, this is the first important word, and second word is photoelectrons are just emitted. मतलब threshold frequency या फिर threshold wavelength पे क्या होता है, photoelectron just emit होता है, मतलब emitted photoelectron में जरा भी kinetic energy नहीं रहती है. Okay, so फर्स्ट कंक्लूजन में कोई डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट इन फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड टू द इंस्टेंटेनियस इमिशन. ओके, अभी इंस्टेंटेनियस इमिशन का सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए, अभी फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड से अबव रखेंगे फ्रीक्वेंसी को. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज केप्ट अबव, फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू, एंड रेडिएशंस आर इंसिडेंट, एंड इट इज फाउंड दैट जस्ट एट द टाइम व्हेन रेडिएशंस आर इंसिडेंट, एट द सेम टाइम फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स. ओके, मींस द इंस्टेंट एट व्हिच रेडिएशंस आर इंसिडेंट, at the same instant what will happen, photoelectrons are emitted from the surface or photoelectric current starts. So this means that there is no time lag between incident of radiation and starting of the photoelectric current or emission of the photoelectron. Okay, so this is the second observation. Second observation kya hai baga, puna ekda sangtoy, ja kshanala radiation tyachyavar padta tya kshanala photoelectric current chalu hoto. ज्या क्षणाला फोटोइलेक्ट्रिक करंट, ज्या क्षणाला रेडिएशन त्याच्यावर पडायचे बंद होतात त्या क्षणाला फोटोइलेक्ट्रिक करंट बंद पडतो. सो इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. ओके, इंस्टेंटेनियस इमिशन, या फिर उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस बोलेंगे. ओके, सो इंस्टेंटेनियस इमिशन या फिर इंस्टेंटेनियस प्रोसेस मतलब क्या है,
जिस क्षण को रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं उसी क्षण को फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं. देर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन. ऐसा नहीं होता है कि रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद 1 आवर या फिर हाफ आवर के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होने स्टार्ट होते हैं. ऐसा नहीं होता है. ओके, सो देर इज सर्टन टाइम, दैट टाइम इज 10^-10, 10^-9 सेकंड टू 10^-10 सेकंड. सो रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद, ऐसा एमसीक्यू भी है ये, रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद कितने टाइम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देता है, रेडिएशन पडल्यानंतर किती टाइम नंतर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपल्याला दिसतो, तर तो टाइम असणार आहे 10^-9 सेकंड किंवा 10^-10 सेकंड. दोन्ही मधलं एक आन्सर असणार आहे. इन द टेक्स्ट बुक इट इज गिवन ॲट 10^-9 सेकंड अँड इन एनसीईआरटी बुक इट इज गिवन ॲज 10^-10 सेकंड. ठीक आहे, तर दोन्ही मधलं कुठलंही आन्सर जे आहे ते चालू शकणार आहे, 10^-9 सेकंड किंवा 10^-10 सेकंड. ठीक आहे, दोन्ही आन्सर असतील तर मोस्ट करेक्ट इज 10^-10. या पद्धतीनं इन्स्टंटेनियस इमिशनचं सेकंड ऑब्झर्वेशन आहे. सो ॲज सून ॲज रेडिएशन आर इन्सिडंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स, ॲज सून ॲज रेडिएशन्स आर स्टॉप्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो स्टॉप. दिस इज द सेकंड ऑब्झर्वेशन. इन्स्टंटेनियस इमिशन का ऑब्झर्वेशन क्या आहे, फेन देखिए ऑब्झर्वेशन क्या आ जाएगा, फेन फ्रिक्वेंसी is kept above threshold value. पहले तो ये important condition है, frequency को क्या होना चाहिए, threshold value के above होना चाहिए. frequency क्या होना चाहिए, above threshold value होनी चाहिए frequency. ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, देखिए अगर threshold value के नीचे frequency है तो radiation incident करो या फिर नहीं करो, photoelectric current हमें दिखेगा ही नहीं. तो ये condition इधर लिखना बहुत जरूरी है. When frequency is kept above threshold value, it is found that इसमें क्या observe होता है, it is found that as soon as radiations are incident, as soon as radiations are incident, photoelectric current starts. Okay, that is, iska meaning kya aata hai, या फिर इसको ऐसा थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, एज सून एज रेडिएशन आर इंसिडेंट कॉमा फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स एंड एज सून एज रेडिएशन आर स्टॉप्ड, फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो स्टॉप्स. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, दैट इज द इंस्टेंटेनियस इमिशन. क्या है, देखिए वंस अगेन, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज केप्ट अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये सेंटेंस इधर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंटेंस इधर अगर नहीं है तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा. क्योंकि रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड के अबव एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. ओके, सो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज केप्ट अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू, इट इज फाउंड दैट एज सून एज रेडिएशन आर इंसिडेंट, ओके, एज सून एज रेडिएशन आर इंसिडेंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट एंड एज सून एज रेडिएशन आर स्टॉप्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो स्टॉप्स. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंक्लूजन इज दैट देर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट्स ऑफ रेडिएशंस
incidence of radiations and emission of photoelectrons. Okay, so there is no time lag between incidence of radiation and emission of photoelectron. मतलब जिस क्षण को रेडिएशन इंसिडेंट होंगे उसी क्षण को क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे. ओके okay?